इस चिल्ड्रेन डे के शुभ अवसर पे आपको क्या करना है? क्या इस चिल्ड्रेन डे के शुभ अवसर पर आप इंजॉय करेंगे और किस तरह से इंजॉय करेंगे, क्यों इंजॉय करेंगे, किस लिए करेंगे, इंजॉय करने से आपको लाभ क्या है? क्या आपके पास समय है? क्या आपकी तैयारी हो चुकी है? कितनी तैयारी हो चुकी है? कितने परसेंट हो गई है? ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। कितने परसेंट आप तैयारी कर चुके हैं, कितने परसेंट तैयारी नहीं किए हैं, कैसे करेंगे और कितना क्या होगा, कब क्यों कैसे का आप लोग जिस प्रकार थ्योरी में कॉन्सेप्ट लगाते हैं, प्रैक्टिकल में लगाते हैं, इत्यादि सवालों में लगाते हैं, ऐसे आप अपने कॉमन लाइफ में लगाना बहुत जरूरी होता है। आज आप इस विद्यार्थी दिवस पे, बाल दिवस पे, बाल दिवस भी कहिए, विद्यार्थी दिवस भी कहिए, क्या बाल दिवस पे क्या करेंगे आप? जो बना दिए बना दिए, जो कर दिए वो कर दिए, उनका इतिहास, बायोग्राफी, अब जो जान रहे हैं आप जान रहे हैं, बस उतने ही तक जानिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, कैसे बनाए, क्यों बनाए, किस लिए बनाए, वो सब गया। तो इस तरह से जो एडवांस आपकी टेक्नोलॉजियां हैं, जो एडवांस कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आईआईटी एडवांस में, उसको आप कम समझिए। आपको मोटिवेट खुद होते हैं, आपको मोटिवेट किसी से द्वारा या किसी के माध्यम द्वारा करने की जरूरत नहीं है या कराने की जरूरत नहीं है। मैं क्लास से निकल रहा था, एक लड़का उसको समझा रहा है, मोटिवेट कर रहा है, क्यों करोगे, तुम अपना देखो। जब उसको ऐसे ही होना था तो क्या जरूरी था उसको ज्वाइन करने के लिए, नहीं ज्वाइन किया होता तो। सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही चीजें हैं कि आप उस विचारधाराओं को ऐसे अंदर अपने उत्पन्न कीजिए कि आपका ऐसे पावर है ना, वो पावर इतनी तेज से डेवलप कर जाए। जो वर्क पर टाइम होता है, जो कार्य प्रति समय होता है, आप इतने आगे बढ़ा ले जाए ना कि कहाँ ना जाए, उसकी एक्सप्लेन ना कर सकें। कैसे पोइट लोग, राइटर लोग किस तरह से बातों को बढ़ा चढ़ा कर ऐसे कहते हैं, वो भावनाओं को समझने वाली चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपका टेक्निकल चीजें हैं, आपके माइंड की चीजें हैं, आप कितने परसेंटेज में कितना आप गेन करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। कितना गेन करते हैं, कितना क्या करते हैं, लाभ हानि, ये सब चीजें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस चिल्ड्रेन डे पे, आपको बाल दिवस पे एक संकल्प लेना चाहिए, एक पावर समझना चाहिए। आपको पावर ये मिल रहा है कि इस बाल दिवस को आपको किस तरह से मनाना है, आपको समय बचाना है। मीठा खाइए, समोसा खाइए, घर जाइए, लेकिन आप घर पे जाके सोना नहीं है। तैयारी बहुत कर लिए हैं आप, 80% कर लिए, 85% कर लिए हैं, जितना चल रहा उतना आप तैयारी कर लिए हैं, आपके माइंड में चल रहा है तो मत सोचिए। अभी आप जो तैयारियां किए हैं वो 9 के बराबर है। योर प्रिपरेशन इज नॉट गुड फॉर एवरी स्टूडेंट इफ यू अंडरस्टैंड। सो इट इज द डिफिकल्ट टाइम फॉर यू एंड फॉर मी। वाई फॉर मी? आई एम गिविंग द लेक्चर दैट दिस द कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन ऑफ एवरीबॉडी। तो क्लियरेंस आपका क्या है?
कितना परसेंटेज है, कितना 100, 80, 85, 90, 97, लेस देन 75, लेस देन मोर देन व्हाट व्हाट आप इस पे केयर कीजिए, समय नहीं है नज़दीक, पढ़ाई करें मन से करें, ठीक है। और एक चीज़ और, आप इतने लोगों में से कुछ लोग के गार्जियन का फ़ोन आया था, ऐसे कुछ लोग के गार्जियन की फ़ोन आया था, वो लोग ये बता रहे थे, हाँ सर बता रहे थे कि आप लोग कुछ मम्मी पापा का, बाबा या मिस दादी का, आप लोग आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। वो लोग समझाते हैं कि रहन दे, न्यूज मत दे, रहन दे, ये काम मत कर, वो काम मत कर, उल्टा सीधा मत कर, तो करते हैं। एक लोग का यहाँ तक कि सर बताने लगे कि बोर्ड है, बोर्ड आया नज़दीक में, बोर्ड है, टारगेट है एडवांस का, आपको देखना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। वह मोबाइल था, मोबाइल का वायर उससे कनेक्ट कर रहा है, क्या जरूरी है करने के, मोबाइल के कनेक्ट क्या करने की जरूरी है भाई। आप पेपर दे लेते, पेपर के बाद आते कुछ करते, फोड़ते फाड़ते जो भी मन करना है करना, बिगड़ा हुआ भले से फोन मंगा लेते आस पास पड़ोसी का। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को सुन के बड़ी दुख होता है, जिन विद्यार्थियों के लिए, जिन लड़कों लड़कियों के लिए ऐसी पढ़ाइयां कराई जाती हैं कि फील्ड में, अपने फील्ड में फर्स्ट नंबर हो, हर किसी के माइंड में, हर किसी के माइंड में, हर किसी के दिमाग में ये चलनी चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका फर्स्ट नंबर आना चाहिए। घोड़े के दौड़ में घोड़े, वाई आई एम यूजिंग द घोड़े मिस हास, वाई, क्यों, ये दौड़ है, मॉडर्न के ये दौर हैं कि आप यदि आगे नहीं आते हैं अच्छे से, आपका बैंक बैलेंस, बंगला गाड़ी इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं होता है, कोई इस वर्ल्ड में पूछने वाला नहीं है और अच्छे तरीके से आप लाइफ नहीं जी पाएंगे। आप बच्चे नहीं रहे, आप 15, 14, 16 आप लोग क्रॉस कर रहे हैं, कई लोग कर भी चुके होंगे, लेकिन क्या है, आप कॉमेडी कीजिए, कीजिए कॉमेडी बहुत सही कीजिए, हम भी कर रहे हैं, लेकिन कॉमेडी बस माइंड के में कुछ सेकंड के लिए होना चाहिए, ये हर्ट से कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, और आपके बराबर कैलकुलेशन चलनी चाहिए माइंड में, टाइम को लेके, अपने सब्जेक्ट को लेके, अपने हर चीज़ों को लेके, लेकिन वो भी कितने समय तक, जैसे होता ना ऐसे सुनने में आता है सोचते रहना, नो, ये भी नहीं, बस आप अपने दिमाग से विचलित ना हो, अपने कर्म से विचलित ना हो, तो उस पॉइंट को आप फोकस करें, बस सोचिए समथिंग, और स्वास्थ्य पे भी आप लोग का ध्यान रहे तो इससे बेटर पड़ता है। एट ए लास्ट आप मुस्कुराते रहें, इस तरह कोई दर्द ना हो, और इस बाल दिवस को आप इस तरह सेलिब्रेट करें कि अपना कोई फर्ज ना हो, ठीक है, फर्ज ना हो। फर्ज क्या है आप खुद समझते हैं, ठीक है, समोसा मिठाई बर्फी सभी लोग खाएंगे और मन से खाएंगे,
आप पढ़ाई भी करें मन से, ठीक है, तो अच्छी बातें होंगी। तो एज ए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing.